दिल्ली से सटे फरूखनगर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी में इस बड़े हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले प्रदीप नाम के शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर को जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि फरूखनगर के खवासपुर गांव के वेयरहाउस से सिटी 3 मंजिला इमारत भरभराकर नीचे गिर गई, जिसके बाद तुरंत मौके पर सिविल डिफेंस टीमों के साथ NDRF की टीमों को मौके पर लगाया गया और बचाव और राहत कार्य जारी है। के आसपास ये सूचना मिली थी कि पटौली खंड में जो हमारा फारूक नगर है वहाँ पे एक वासपुर गांव के अंदर एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है और ये इमारत एक वेयर हाउस के पास है और उन्हीं के जो वर्कर या लेबरर थे यहाँ पे रहते थे और ये अंदेशा जताया गया था कि 20 से 25 आदमी इसमें दबे हो सकते हैं। तो इसके तुरंत बाद ही NDRF और SDRF से संपर्क साधा गया था और पुलिस की टीम, डॉक्टर्स की टीम और जो रेवेन्यू की टीम है मजिस्ट्रेट्स की, वो स्पॉट के लिए रवाना कर दी गई थी। NDRF की और SDRF की टीम्स भी आ गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं बचाव और राहत कार्य अभी चल रहा है। एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है जो अलाइव थे, एक अभी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गए तो उनकी बॉडी को भी अभी निकाला गया है और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अभी 2 व्यक्ति और अंदर ट्रैप हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अंदर थे परंतु गिरने से पहले, बिल्डिंग गिरने से पहले जो बाहर निकलने में सफल रहे, उनको साथ लेके जिस स्पॉट पे हो सकते हैं ट्रैप, वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है और उम्मीद हमारी यही है कि जितनी जो भी जान बचाई जा सके उसके लिए पूरी कोशिश। ये जैसे बारिश हो रही थी तो उस टाइम ये हटके हल्के धीरे धीरे से ढहने लगती, थोड़ा जोर से बोलो, ये अपने आप से ढहने लगती धीरे धीरे। तो जो स्टाफ लोग था तो जो दिन में ड्यूटी थे वो तो इधर आके इधर उधर जा रहे थे, उन्होंने देखा। ऐसे ड्राइवर लोग भी इधर थे तो ड्राइवर देखे कि हाँ गिरने लग रही है तो उनको बताए, तो बाहर वाले लोग थे तो वापस आ गए और जो नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो सो रहे थे, उनको चांस नहीं मिला जो बाहर आ जाए। हादसे में फंसे लोग साथ में लगते वेयरहाउस में काम करते थे और अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। मौके पर पहुंचे पटौदी के विधायक की माने तो बिल्डिंग बारिश से गिरी या कारण कुछ और थे ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द सकुशल लोगों को बाहर निकाला जाए। आपको बता दें शाम 7 से 7:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ जब 3 मंजिला इमारत भरभराकर नीचे आ गिरी। जांच का विषय है, बाद में होगी। हमारी पहली प्राथमिकता है कि मनुष्य जीवन को बचाया जाए। जो कैजुअलिटी हुई है जितना जल्दी हो उसके हम लोगों को राहत कार्य मिले। DC साहब की, मेरी CM साहब की कम से कम 10 बार इसको लेके बात कर चुकी है जब से घटना घटी है। वहीं एक हमारा कैमरे चार्ज, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार के अधिकारी लोग, हमारे युवा टीम के सदस्य सब लगे हुए। देखिए बिल्डिंग जो थी ये ठीक हालात में नहीं थी और कहीं ना कहीं बारिश से एक जगह पानी भरा है, तो इसी को कुछ हुआ होगा, ये तो इंडस्ट्री सेफ्टी वाले बताएंगे। लेकिन अभी इनके साथ CMO साहब भी यही है, इन्होंने यहाँ भी व्यवस्था की हुई है, एम्बुलेंस रेडी है, अस्पताल में भी व्यवस्था है। हम ये चाहेंगे और जब तक एक एक पूरा रेस्क्यू ना हो जाए हम सब लोग यही। वहीं हादसे में बड़ा कारण इमारत का जर्जर होना भी सामने आ रहा है। हालांकि हादसे की प्रमुख वजह बारिश थी या कुछ और, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।